दर्शकों, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है और हम यहाँ मौजूद हैं शराफत गई तेल लेने के स्टारकास्ट जायद खान और रणविजय के साथ। आइए जानते हैं किस तरह से शराफत तेल लेने गई। नमस्कार, मेरा किरदार एक दिल्ली का बंदा है, बड़ा सिंपल सा बंदा है और बड़ी सिंपल सी जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन एक दिन अचानक उसके बैंक अकाउंट में 100 करोड़ आ जाते हैं और क्या करना पड़ता है, कहाँ से आए, किसने दिए, ये एक पिक्चर की शुरुआत है, पिक्चर के बहुत सारे सवाल जुड़ते हैं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी पे निकल पड़ते हैं। ये दो दोस्त सैब और पृथ्वी, जहाँ पे उनको इस जाल के बाहर निकलना भी पड़ता है और अपनी सफाई भी करनी पड़ती है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉमिक थ्रिलर एलिमेंट है इस फिल्म में और हम यही चाहते हैं कि सब लोग मजे से एंजॉय करें ये पिक्चर, क्योंकि आज का दौर का पिक्चर है। बहुत ही अच्छे गाने हैं इस पिक्चर में और ऑफकोर्स प्रोमो तो सब कुछ दिखाता है, सबको दिखाई दे रहे हैं। आप काफी फनी करेक्टर जो है इसमें, तो इसमें इंजॉय कितना किया आपने? बहुत मजे किए। जो मेरा कैरेक्टर है सैम का, वो जायद के कैरेक्टर के साथ और बिल्कुल ऑपोजिट है। और बेसिकली जब उनके अकाउंट में 100 करोड़ आते हैं तो सैम अपने मन में हवाई के लिए ऑलरेडी बना चुका है कि यार हम ना बिल्कुल ऐसे खर्चेंगे, वैसे खर्चेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और वही कैरेक्टर है कि मेरे को इतना मजा इसका है क्योंकि उसकी जो सोच हुआ है कि आज जितने मजे कर लूँ कल देखें, जो बड़ा मुश्किल होता है ऐसे जीना। तो अगर ऐसा बिंदास कैरेक्टर का रोल करने को मिले तो एटलीस्ट वो 30-40 मिनट हम शूट करे थे, यू गेट टू लिव दैट लाइफ। तो मेरे को बहुत मजा आया और हमारे जो जितने भी सिचुएशन थे फिल्म में, जो फनी है जिसमें हम दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स थे उसमें रिएक्ट कर रहे थे, तो उसमें करते हुए बहुत मजा आया। एंड दिल्ली में हमने शूट किया, मौसम भी अच्छा था और आई थिंक वो सब जब एक वाइब और एक एनर्जी अच्छी रहती है तो जब वो प्रोडक्ट सामने आता है तो सब एंजॉय करते हैं। तो 16 जनवरी को फिल्म आ रही है और मेरे को लगता है कि नॉर्थ में तो बहुत लोग इससे रिलेट करेंगे। हमारे लैंग्वेज है दिल्ली की है, जो ये लाइन है ये शराफत के तेल लेने, ये भी दिल्ली की काफी मतलब काफी टाइम से मुझे चले, आज बहुत शरीफ रह लिया, अभी मेरा फायदा उठा रहा है शराफत के तेल। इसमें जैसे तीनों देसाई भी है, तो पासवर्ड समझे उनको 100 करोड़ का? उनका पासवर्ड यही कि वापस दे दो सब। और ये एक बड़ी अच्छी कैरेक्टर खेलती है, एक जर्नलिस्ट खेलती है जो उसका पृथ्वी का लव इंटरेस्ट है। और ये कहते हैं ना कि एक कंधे पे शैतान रहता है, एक कंधे पे फरिश्ता रहता है, तो ऐसे ही पृथ्वी बीच में है और ये दोनों उनके साथ यही खेल खेल रहे हैं कि यार वापस दे दो, या ये बोल रहा है कि ना खर्चते हैं। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी केमिस्ट्री बनती है इन तीनों के बीच में और जो सिचुएशन में वो अब पड़ते हैं और जिस तरह से उनको बाहर निकलना है, वो भी एक पिक्चर की बहुत बड़ी एक हिस्सा है। तो बस यार हम लोग यही सोचते हैं कि बहुत मेहनत की इस पिक्चर में और मुझे लगता है कि बहुत रेलिवेंट पिक्चर है, आज की पिक्चर है और आज के मुद्दे उठाए हैं और बड़े अच्छे अच्छे सोशल मुद्दे भी उठाए हैं हमने। तो मुझे लगता है कि ये एक काफी एक हटके पिक्चर है जो सबको पसंद आएगी, पूरी फैमिली को पसंद आएगी। इसमें फैमिली जो है आएगी, जैसे टाइटल है शराफत गई तेल लेने, तो उसको क्या फर्क पड़ेगा, किस तरीके से? अब बहुत सारे लोग ये अपने फैमिली में देखते हैं कि बहुत शरीफ लोग हैं, उनके ऑफिस में या उनके दोस्त के सर्कल में कहीं ना कहीं उनका लोग उनकी शराफत का फायदा उठाते हैं, तो वो रियलाइज करेंगे या खुद या कोई उनके दोस्त लोग उनको बताएंगे आप ठीक है आपने भी फिल्म देखी, उसमें ये बताया जा रहा है कि शरीफ रहो, लेकिन जब कोई आपका फायदा उठाता है तो आपको बोलना चाहिए शराफत गई तेल लेने एंड डू समथिंग अबाउट इट। हम ये नहीं करेंगे आप सबको खराब होना पड़ेगा, हम लोग शराफत छोड़नी पड़ेगी, लेकिन जो भी कर रहे हो करो, पर अपना हक जो है वो लेते हैं, क्योंकि आजकल बहुत कंपेरेटिव वर्ल्ड है और अगर कोई किसी को मौका मिले तो आप तो पूरे काम में थ्रेड ले सकते हैं, लेकिन और ऐसा होता है आजकल ऑफिस वगैरह में ऐसा होता है। तो मेरे को लगता है वो एक मैसेज बहुत स्ट्रांग है लोगों को, उसके अलावा क्या हो गया साथ में जो आपका रूम पार्टनर के रूप में कोई फेमस डायलॉग हो तो बता दीजिए। नहीं, एक अच्छा डायलॉग है जहाँ पे मैं हमेशा उसको हर बात पे टाल देता हूँ, कि यार तू बड़ा अपनी गर्लफ्रेंड के पैसे भी जीता है, तो ये कहता है मुझे सुन, तू मेरा रूममेट है, बाप नहीं, तो ज्यादा मुझे वो लेक्चर ही मत दे मुझे। तो ये हमारी जो तालमेल है बड़ी अच्छी है, पिक्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।
बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं पूरी बीसीआई टीम की तरफ से आपको, कामयाब आप जरूर जाके देखना। 16 बहुत बहुत शुक्रिया भाई। 16 जनवरी को फिल्म आ रही है, इनको बोलिए, उनको बोलिए। दर्शकों ये थे हमारे साथ जो है शराफत गए तेल लेने के स्टारकार जायद खान और रुदन विजय। देखते रहिए 16 जनवरी को शराफत गए तेल लेने। बीसीआई न्यूज के लिए मैं आफा खान समीर अजय शास्त्री हूँ।